नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा अपने चैनल फ्लेवर्स बाय सुषमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार है, जिसको लखनऊ में बड़ा मंगल कहा जाता है। हनुमान जी के सभी मंदिरों में विशेष पूजाएं होती हैं, सजावट होती है। आज के दिन मेले लगते हैं, लेकिन ये कोविड के चक्कर में 2 साल से हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। लॉकडाउन में सब अपने अपने घरों में रहते हैं, तो फिर हम लोग अपने घर में ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और उसी के लिए हमने जो प्रसाद बनाया है वो तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये प्रसाद में बनाए हैं बेसन के लड्डू और ये मीठे पिटौरे। और ये मैंने कैसे बनाए हैं, इसके लिए हम चलते हैं अपनी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े मंगल का प्रसाद, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और उसमें है मीठा पिटा हुआ या जिसको मीठी पूरी भी बोलते हैं, और बेसन के लड्डू। तो यहाँ पर हमने पहले लिए मीठे पिटा हुए की सामग्री, ये 1.5 बोल लिया है मैंने गेहूँ का आटा, 1/2 बोल ली है मैदा, 1/2 बोल ही घी है मेल्टेड है, ये मैंने कर लिया है इसको मैंने, और ये 1/2 बोल चीनी है पिसी हुई, और 1/2 बोल नारियल का बूरा। ये कुछ मेवे लिए हैं, कटे हुए बादाम और पिस्ते, और ये 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इसके लिए सबसे पहले हम पिटे हुए का आटा बनाएंगे, डाल देते हैं पहले गेहूं सर आटा, ये मैदा, ये पिसी हुई चीनी, नारियल बुरादा, इलायची पाउडर और ये घी, सब मिक्स करके तब बाद में इसे पानी मिलाएंगे। सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे, और इसका थोड़ा सा हार्ड डो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे, जैसे पूरी का बनाते हैं वैसा ही बनेगा। और चूंकि इसमें चीनी पड़ी होती है, जिसको बनाने के बाद तुरंत ही पूरियाँ बना भी लेनी चाहिए, इसको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गर्मी में रखा रहेगा तो ये पिघलने लगती है चीनी, और फिर आटा पतला हो जाता है, आसानी से नहीं बनते पिटोवे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से गूंथ लेंगे 1 मिनट तक लगातार। ये देखिए तैयार हो गया बढ़िया सा। अब इसको ऐसे चिकना कर रखेंगे, और फिर छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे, जो जैसा आपको साइज चाहिए हो, आप बटर से भी काट सकते हैं, छोटी छोटी अलग अलग भी बेल सकते हैं। देखिए मेरा आटा जो तैयार हो गया, उसके मैंने ये 2 हिस्से बना लिए, 2 लोइयाँ ऐसे बना के चिकनी करके रख लेंगे। अब इसको हम बेलेंगे थोड़ा सा मोटा, देखिए अभी मैं बेल के दिखाती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी बीच में हम आटा लगाएंगे सूखा, नहीं तो अगर ऐसे ही ये बेल जाएगा तो सूखा आटा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए तैयार हो गए हैं, इसको मैंने इतना मोटा रखा है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे तभी अच्छे भी लगते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये अपना मफिन मोल्ड ले लिया है, ये कटर की तरह हम इसको यूज़ करेंगे, आप चाहें तो कोई अपनी कटोरी है जिस साइज़ का आप बनाना चाहें ले सकते हैं। इसको हल्का सा ऐसे सूखे आटे में कर देंगे, ऐसे इसके किनारे डिप कर देंगे, तो ये बड़े आसानी से भी कट करके निकल आएगा। ये देखिए हमारी ये पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं, अब हम इसको ऐसे कांटे से, इसे चाकू से या कांटे से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे ऐसे ऐसे छेद बना देंगे इसमें, जिससे ये जब हम बनाएंगे कढ़ाई में डालेंगे तो फ्राई करते समय ये फूलेगी नहीं, और अच्छे से अंदर तक सिक भी जाएगी। अब देखिए हमने सब में होल बना करके ऐसे तैयार कर लिया है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही सेक भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा इसकी सजावट करेंगे, तो ये बीज में ऐसे लगा देंगे दबा करके, थोड़े से बादाम हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे ये नीचे तक चले जाएं। इस तरह देखिए अच्छा लगने लगा, ये इसके लिए थोड़ी सी पूरी मोटी रखनी पड़ेगी तभी ये लग पाएंगे। देखिए ये हमारी पूरियाँ तैयार हो गई हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बनाकर ही सेकते जाना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो तुरंत वो पिघलने लगती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं उठाने में। देखिए ऐसे तो ये बिना आटे के आराम से बेल गई हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए घी गरम करके रख लिया है, बहुत ज़्यादा तेज आती रखेंगे ना ही बहुत धीमी, और इसमें हम धीरे से इसको डाल देंगे। देखिए बस इतना ही गरम होना चाहिए कि एकदम से ना तो ऊपर आ जाए और ना ये बहुत देर तक नीचे चिपकी रह जाए। देखिए ये अपने आप हल्के से अलग हो गई हैं, अब हम इसमें दूसरी वाली भी डाल देंगे,
जो मेवा लगी हुआ है इसको ऊपर रखिए, वैसे वो निकल भी जाएगी, बीजू जो कुछ निकलेगी कुछ लगी रह जाएगी, ये हो सकता है। देखिए कितनी बढ़िया सीख रही है ये, इनको ऐसे ही मीडियम से भी थोड़ी हल्की लो ही रखें, क्योंकि ये थोड़ी मोटी हैं, अगर जल्दी तेज आंच में बनाएंगे तो बंद हो जाएंगे, लेकिन अंदर इनमें कच्चा बन रहेगा, तो ऐसे ही थोड़ा सा मीडियम से हल्की कम करके रखें और बराबर ध्यान रखें इनको। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया इन पर, अब हम ये निकाल लेंगे। सारे पिटौ मेरे तैयार हो गए हैं, अब हम अपने बेसन के लड्डू की तैयारी करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 2 बोल बेसन, ये मोटा बेसन है, आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। 1 बोल ये पिसी हुई चीनी है, 1 बोल ये मेल्टेड घी है, और ये बादाम और पिस्ता है थोड़ा सा सजाने के लिए लड्डू पर, और ये 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर है। तो चलिए हम बेसन को भूनने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई गर्म होने रखी है, अब हम इसमें कोई घी अभी नहीं डालेंगे, पहले हम हल्का सा इस बेसन को भून लेंगे, और बेसन भूनते समय बड़े धैर्य से भूनना है, आँच बिल्कुल धीमी रखनी है, और अगर ज़रा सा भी तेज हो तो बेसन तेजी से पकड़ लेता है आँच, और फिर उसको जल जाता है, इसलिए आपको लगातार चलाते हुए ऐसे भूनना है, और बीच बीच में जैसे कोई गांठ ऐसे लगेगी तो उसको इस तरीके से फोड़ते जाना है। जैसे बीच बीच में देखिए ये गुठलियाँ बनती जाती हैं, इनको ऐसे ऐसे दबा के फोड़ते जाना है, बिल्कुल नीचे से बराबर करना है, नीचे बहुत जल्दी लगने लगता है बेसन, धीमी आंच पर ऐसे भूनना है, अभी थोड़ा देर लगेगी इसको। ये देखिए बेसन को 5 मिनट हुए भूनते हुए, बिल्कुल धीमी आंच पर भून रहा है ये, हल्का हल्का भूनना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी, घी कभी एक साथ ना डालें, क्योंकि कभी कभी थोड़ी भी नाप में अगर गड़बड़ी हो रही घी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं, लड्डू के बजाय वो एकदम पेड़े लगने लगते हैं, घी ज़्यादा हो जाता है। देखिए हम 3 चम्मच पहले डाल चुके हैं घी, और हम 3 और डाल दे रहे हैं, फिर देखते हैं कितना और यूज़ होगा। देखिए घी पड़ने के बाद बेसन का कैसा टेक्सचर हो रहा है, इसको लगातार ही भूनना पड़ेगा, अभी देर है इसको भूनने में। देखिए काफ़ी हद तक भुन गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर हो रहे हैं, जब तक पूरा बहुत अच्छे से इसकी खुशबू आने ना लगे बेसन भुनने की, तब तक इसको अभी और भुनेंगे। देखिए बेसन बहुत बढ़िया से भुन गया है, आप ये गौर करिए कि देखिए इसका एक एक कण बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, अच्छे से भुना हुआ, कहीं पर भी ये स्टिकी नहीं लग रहा है। बेसन भुनने की यही पहचान होती है कि घी जब अच्छे से इसमें लगा हो और अच्छे से भुन जाए तो ये बिल्कुल अलग अलग सा दिखने लगता है, चिपका हुआ नहीं दिखता है। चलिए अब इसको गैस बंद कर देते हैं और एक अलग बर्तन में निकाल करके उसको ठंडा कर लेंगे, तब इसमें चीनी मिक्स करेंगे। देखिए बेसन निकाल लिया मैंने ठंडा होने के लिए, यहाँ पर जो मैंने 1 बोल लिया था घी, इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा थोड़ा थोड़ा डालिए बेसन भूनते पर, क्योंकि उसमें देखिए मैंने ये वाली चम्मच है, बड़ी चम्मच है, ये टोटल 3-3 करके 2 बार यानी 6 चम्मच लिया है घी, और ये देखिए अभी ये बच गया है इतना, तो अगर अभी ज़रूरत पड़ेगी चीनी डालने के वक्त तो शायद थोड़ा सा पड़े, वरना ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमारे 2 कप बेसन में ये देखिए आधा पड़ा है, बेसन हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुनापन है अब इसमें। इसी समय हम ये डाल देंगे पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, अब मिक्स करके देख रहे हैं, वैसे तो ये लड्डू बन जाएगा, लेकिन इसमें 1 छोटा चम्मच घी और मिला देंगे तो फिर ये अच्छे से बनने लगेंगे। देखिए घी और थोड़ा डाल दे रहे हैं, मिक्स करके देख लेते हैं ये क्या आसानी से बन रहे हैं, तो फिर घी की और ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये अच्छे से बनने लगा, साइज आप अपने मन के हिसाब से रख सकते हैं जितना बड़ा आपको रखना है, मैं एक थोड़ा सा नॉर्मल साइज रख रही हूँ जो अक्सर हलवाइयों के मिलता है। देखिए ये साइज बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही सारे लड्डू बना लेंगे हम। थोड़ी सी सजावट भी कर देते हैं, एक एक पिस्ते का टुकड़ा लगा देंगे ऐसे। तो देखिए हमारे घर में तो हमने तैयार कर लिया हनुमान जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद, आप भी इसको देखकर प्रसाद बनाइए और भगवान जी से प्रार्थना करिए कि इस पैंडेमिक से पूरी दुनिया को निजात दिलाएं और घर में सबको समृद्धशाली जीवन मिले। तो चलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।